नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज मंगलवार के दिन हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी और रूपा मेहता की राय जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम नॉन एग्री कमोडिटीज में हमेशा की तरह ही सोने और चांदी से। तो सोने चांदी की कीमतों में देख रहे हैं कि एक अच्छी तेजी के बाद, सोने चांदी में एक अच्छी रैली के बाद अब सोने चांदी की जो कीमतें हैं कहीं ना कहीं स्लिप होती हुई नज़र आई हैं। सोने चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तर से एक दबाव बनता नज़र आया है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट, दोनों ही वायदा बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी आते हुए दर्ज की जा रही है। आपको बताती कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड $1942 पर ट्रेड कर रहा है, 1% की करेक्शन है, और जो सिल्वर है वो $25 पर आ चुकी है, 0.25% की करेक्शन सिल्वर के भी अंदर देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से आज गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन और ज़्यादा गहराई है और ज़्यादा बन रही है, उससे जो जानकार हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं यहाँ से अभी उनमें अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। सोने चांदी का जो बाज़ार है यहाँ से अभी कुछ और फिसलता नज़र आ सकता है। नज़र डालें अगर घरेलू वायदा बाज़ारों की तरफ, तो घरेलू वायदा बाज़ार में जो सोना है जो कि कल के कारोबारी सत्र में 52,000 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा था, 52,000 के लेवल्स पर ही था, अब वो 51,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बात करें अगर गोल्ड के अप्रैल वायदे की, तो गोल्ड का अप्रैल वायदा 51,884 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो बातें चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, जो वार्तालाप चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत होने से, उनके वार्तालाप से अभी जो गोल्ड, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें जो सेफ हेवन डिमांड है वो कुछ कम हो सकती है, क्योंकि जो संकट है दोनों देशों की बातचीत करने की वजह से वो थोड़ा कम हो सकता है, कुछ समझौता हो सकता है। अब इसी कंक्लूजन के चलते जो सोने चांदी कीमतें हैं उनमें एक हल्की सी नरमी आ रही है। तो क्या नरमी यहाँ से अभी और आएगी, और आएगी तो कहाँ तक नीचे में जाएगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर कल के मुकाबले और ज्यादा लुढ़के हैं, आपको क्या लगता है अभी जो गिरावट है नीचे में कहाँ तक जाएगी? देखिए, $1920 से लेकर $1900 तक सोना लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल देखा जाए तो यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाजारों में गिरावट हावी होती है नजर आ रही है। और दूसरा, नेक्स्ट वीक में सेंट्रल बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बैठक भी है, उसका भी असर आगे चलकर मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर फिलहाल इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी, जिसकी वजह से सोना और चांदी ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से $1920 से लेकर $1900 तक फिलहाल सोना लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बुधवार को फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक भी है, जिसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर बढ़ोतरी हो जाती है ब्याज दरों में तो उसका असर गोल्ड मार्केट पर कितना पड़ सकता है? फैक्ट ये किया जा रहा है कि बढ़ोतरी शायद नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर पहले ही काफी चिंताएं हैं, तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को लेकर काफी बड़ी टेंशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फिलहाल इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं किया जाएगा। जी रूपा जी, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि अब $100 के नीचे हो चुका है, WTI की बात करें तो $98 पर है, 4% से ज्यादा की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी साढ़े लगभग 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ $102 पर ट्रेड कर रहा है। रूपा जी, जब से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ का बयान आया है कि जो मुख्य उत्पादक देश हैं, जो सप्लायर देश हैं, जो सप्लाई कंट्रीज हैं, उनको कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, तो तब से देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें करेक्शन आना शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, अब जिस हिसाब से रशिया भी भारत से कह रहा है कि भारत रशिया के ऑयल और गैस सेक्टर में निवेश करे, आग्रह किया गया है, तो क्या कच्चे तेल की कीमतें अभी भी बढ़ेंगी या फिर यहाँ से अभी जो मार्केट है वो पूरी डाउन हो जाएगी? कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल जो है एक रेंज बाउंड होती दिखाई दे रही है, पिछले लगातार 2-3 दिन से हम यही डिस्कस करें कि कच्चे तेल की कीमतें अब यहाँ से फिलहाल जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो हो सकता है $90 से लेकर $100, $110 के बीच घूमती हुई दिखाई दे। और जब तक ये ईज ऑफ नहीं आता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही लड़ाई को लेकर, तब तक बाजारों में ऐसे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए कच्चे तेल जो है नीचे में अगर लुढ़कता है यहाँ से, तो $90 तक की गिरावट दिखा सकता है। जी
रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ ही ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। उधर चाइना से खबर निकल के सामने आ रही कि चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस है, COVID-19 है, उसके जो केसेस हैं फिर से लगातार तेजी से देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़े इलाके में काफी बड़े पैमाने पर लॉकडाउन किया गया है, जैसे साल 2020 में किया गया था वुहान के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है? और दूसरा, निकल की ट्रेडिंग LME पर 16 मार्च से फिर से चालू होने वाली है, तो आपको क्या लगता है अब बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, यहाँ जहाँ तक बेस मेटल की बात है, बेस मेटल में अभी जिस तरीके के चाइना में सिनेरियो देखने को मिल रहा है और वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा डिमांड के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से बाजार फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स का देना चाहेंगे आज के लिए आप नॉन एग्री में? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज फिलहाल बाजारों में गिरावट हावी हो सकती है, सोने चांदी में गिरावट बढ़ सकती है, उसमें दिवाली की तरफ जाना जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।